बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामो तम पुन जासु वचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमः नारायण। 16 मई सन 2012 और बुधवार का दिन है और जिनका आज जन्मदिन और शादी की सालगिरह है दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और जीवन हमेशा सफलताओं से भरा रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 16 मई आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह तो इन आपको हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद अपने घर में घी का दिव्य जल ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम शा केतु नमः केतु के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। महीने में एक बार किसी भी मंदिर में लाल ध्वजा पताका पहराना आपके लिए मंगलकारी और शुभ रहेगा। नमः नारायण। और बात करते हैं बुधवार के पंचांग की। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी और विक्रम संवत 2069 और बुधवार का प्रातकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और चंद्रमा में राशि और बुधवार का राहुकाल दोपहर 12 लेकर 1:30 और राहुकाल को शुभ कार्य करना सौदा करना पूंजी निवेश करना भूमि भवन और वाहन खरीदना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। नमः नारायण। और बात करते हैं बुधवार की यात्रा की। जहाँ आप रहते वहाँ से उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी और बुधवार में साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पर निकल जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और अब मैं आपको ले चलता हूँ नक्षत्र विज्ञान की दुनिया। क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं बुधवार के राशिफल की। मेष राशि। मेष राशि वालों ग्रह गोचर की बात करो समय शक्य दे रहा कि आज आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। खान पान में सावधानी बरतनी पड़ेगी, कारोबार में सावधानी बरतनी पड़ेगी और पारिवारिक रिश्तों में भी सावधानी बरतनी क्योंकि आज स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। फिजूल की खरीदारी से धन का अपव्यय हो सकता है। शत्रु पक्ष प्रयास करेगा आपको परेशान करने का और यात्रा में भी कठिनाई नजर आएगी। सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का है। संपूर्ण राष्ट्र मेरी प्रार्थना में भयभीत नहीं करता हूँ, मैं नक्षत्र ग्रह योगा योग की बात करता हूँ। आपको कहीं भयभीत होने की बस थोड़ा स्वास्थ्य के ध्यान दें, संकेत देना आते नहीं फिजूल खर्ची से बचे, शत्रु पक्ष से सावधान, यात्रा में सावधानी बरते रहो। छोटा सा उपाय जो जरूर करें और ये उपाय है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम शा भवान मंगल के बीज मंत्र का जाप करते आज कन्याओं को भोजन कर और भोजन में मालपुआ यदि खिलाते हैं तो बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। क्या करें जीवन को संतुलन बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा गम, एकदम बैलेंस होकर आज चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें आज यात्रा में लापरवाही न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जिस तरह के घर योगायोग है समय संकेत दे रहा है कि मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक चंपूर्ण परेशानी का आज मनो अनुकूल कार्य बनेंगे, धन लाभ का अवसर मिलेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी और विशेष कार्य के लिए किए गए प्रयास फलीभूत होंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, भाई बंधु और मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। वृषभ राशि वालों गोचर बहुत अच्छा है, एक छोटा सा काम कर आज वार्तालाप के जरिए समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। क्या करें नए प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्या ना करें स्वजनों के साथ कोई दगा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों समय अनुकूल है, सितारों का शुभ संकेत है, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में जनसंपर्क आज लाभ दे, जो रिश्ते हैं आपके वो आज कारोबार में बहुत सफलता आपको दिलाएंगे। घर और बार दोनों तरफ उत्साहजनित वातावरण बना रहेगा और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। क्या करें भूमि और वाहन संबंधी कार्य संपन्न करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या ना करें क्रोध में आकर कोई निर्णय न ले तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले समय अनुकूल है, सितारे सफलता का संकेत, आज गोचर संकेत दे रहे कि आपकी समय और परिस्थिति में सुधार अवश्य होगा। पारिवारिक स्थिति सुधरेगी, पारिवारिक सदस्य का पूर्ण सहयोग और आय के साधन भी उपलब्ध होंगे। लेखन और कला के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन और एक बात और कहना कर्क राशि वालों आज कहीं ना कहीं से धन लाभ जरूर होगा लेकिन संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या करें
आज के दिन अपनों की सुनना बहुत जरूरी है। क्या ना करें तो पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद ना होने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशियों, समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा, आज परेशानी है, आज अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा, आज पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करना होगा, बिना सलाह लिए कोई भी कार्य करेंगे तो परेशानी है। आज किसी भी नए अनुबंध के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी और कार्य के प्रति गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। आज कानूनी झमेलों से आपको बचना होगा, आज कानूनी झमेले भी आपको परेशान करें, और सुबह से लेकर शाम तक ये गोचर ये कह रहा है कि आपको सावधानी बरतनी पड़ी। छोटा सा उपाय, ओम राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाए और श्रद्धा अनुसार गेहूं का दान कुष्ठ रोगियों को देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति सावधान, क्या ना करें, बिना पढ़े लिखित समझौतों पर साइन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, राशि अधिपति बुध जिस अवस्था में विराजमान है और गोचर में जिस तरह के घर योगा योग है, समय बहुत अनुकूल है। आज कारोबार में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, साझेदारी कार्यों में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, वैवाहिक मसले हल होंगे और घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, स्वास्थ्य अनुकूल, धन लाभ और परिवार का पूर्ण सहयोग। क्या चाहिए और इसके अलावा क्या चाहिए, तो क्या करें, कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, आज के दिन बहुत जरूरी है उधार लेन देन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं तुला राशि के लिए। उससे पहले एक सवाल, और ये सुशांत कुमार रांची से सवाल करें कि मेरी नौकरी कब लगेगी, आंखों में तकलीफ है, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। सुशांत जी, शनि महाराज से प्रार्थना करूंगी आपकी परेशानी का निवारण हो। आपका वृश्चिक लग्न धनु राशि और इस समय राहु की महादशा जो 14 सितंबर 2027 तक रहेगी, राहु में राहु की अंतर्दशा 16 मई 2012 तक, उसके बाद गुरु की अंतर्दशा 20 अक्टूबर 2014 तक रहेगी। जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैरियर संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु 24 मई 2013 का बाद का समय सफलता का नजर आ रहा है। ग्रह नक्षत्रों की सूक्ष्म विवेचना को देखते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अपनी निजी जिंदगी को थोड़ा सा संभाल कर चलना, निजी जो जीवन है उसे थोड़ा सा संभाल कर चलना होगा, नैतिकता का दामन पकड़ना होगा, पारिवारिक रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी और जीवन में स्वास्थ्य और कैरियर संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए जो उपाय मैं बता रहा हूं इनका आप सहारा लेते हैं आपके लिए बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। हर रोज नित्य कर्म नियम स्नान और लगातार 43 दिन जो अपने हाथ से गाय को खिलाए बहुत अच्छा रहेगा। 12 महीने रुद्राक्ष 7 दाने गले में धारण करना कैरियर की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगा। समय अभी थोड़ा सा सावधानी का है, घर में घी का दीपक जला के हर रोज रात्रि में सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपके लिए शुभ शकुन और शुभ से भरा रहेगा आपका जीवन। नमन, ये मेरी सलाह है, माना और नहीं माना आपकी मर्जी। नमन और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, सितारे अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, पुराने मित्रों से मिलन होगा और मित्रों के सहयोग से उन्नतिकारक परिस्थितियां बनेगी और लाभ भी होगा। आज लाभदायक व्यवसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे और सितारों की अनुकूलता की वजह से पारिवारिक सुख और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्या करें, आज उधारी वसूलने का प्रयास करिएगा, हो सकता है आज आपको उधार दिए धन वापस मिल जाए। क्या ना करें, शत्रु को कमजोर ना समझे तुला राशि वालों। नमूना और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, समय थोड़ा सा मध्यम है, खान पान पर ध्यान देना होगा, यदि खान पान अनियमित है तो पेट संबंधी गड़बड़ी की संभावना है। आज किसी व्यक्ति विशेष के कारण धन और समय का अपव्यय हो सकता है, आज आपको अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा, संतान पक्ष पर ध्यान देना पड़ेगा और पारिवारिक रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी। गोचर थोड़ा सा मध्यम है, सावधानी बहुत जरूरी। क्या करें, थोड़ा सा धर्म में रुचि रखें, आज प्रभु दर्शन का मौका निकल समय निकाले बहुत जरूरी है। क्या ना करें, व्यर्थ के कार्य और बातों में समय नष्ट ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। न बना रहे